कि हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का पुष्प देकर के स्वागत करें। अब मैं डॉक्टर राजश्री जैन जी से आग्रह करूंगा कि वे हमारे यहाँ आए। जिस तरीके से उन पर लाठीचार्ज हुई है, तो क्या बीजेपी अब उनके साथ खड़ी है, उनको उनका हक? देखिए, राज्य की सरकार ने जिस प्रकार से लाठी बर्बरतापूर्वक चलाने का काम किया, इससे पूरा झारखंड शर्मसार हुआ है। राज्य की सरकार के असली चेहरे को देख करके आम नौजवानों को आज पीड़ा हो रही है, तकलीफ हो रहा है और युवा पीढ़ी आक्रोशित है इस राज्य सरकार के खिलाफ। अपने हक और हुकूक की लड़ाई में लोकतांत्रिक तरीके से लड़ना के लिए अगर आज़ादी नहीं रहेगी, तब तो लोकतंत्र शर्मसार होगा। इसलिए इस राज्य की सरकार जो किमकरणी निद्रा में सोई हुई है, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी भी आगे बढ़ करके सड़क से लेकर हम सदन तक संघर्ष चला रहे हैं, आगे और तेजी से चलाएंगे। देखिए, आज की बैठक कामकाजी बैठक थी। आने वाले समय में पार्टी की दिशा क्या होगी, उसका रोड मैप पार्टी ने बनाया है और उसकी आज चर्चा हुई, कार्य योजना बनी और आगे हम कैसे और बेहतर काम करें, हम कैसे वर्तमान राज्य सरकार के खिलाफ जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हम संघर्ष करें, साथ साथ संगठनात्मक चीज़ों को हम कैसे और मजबूत करें और केंद्र सरकार की योजनाएं जो मोदी जी की सरकार है उसको जमीनी सतह पर नितांत आवश्यक लोगों तक कैसे हम पहुँचाएं, इसकी चर्चा और बहुत ही आज की बैठक सार्थक बैठक। अच्छा, एक सवाल, संगठन महामंत्री जी को आमंत्रित करता हूँ। सभागार में उपस्थित सभी माननीय जिलाध्यक्ष और जिला प्रभारी दोनों से आग्रह है कि अपना अपना मोबाइल एक बार चेक कर लेंगे, साइलेंट कर लेंगे, उसे चेक कर लेंगे। आज की बैठक हम सबों को ज्ञात है, भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश अंतर्गत आने वाले सांगठनिक दृष्टिकोण से 27 जिलों की सांगठनिक बैठक थी। इसमें जिले के अध्यक्ष और जिले के प्रभारीगण उपस्थित थे और चूंकि भारतीय जनता पार्टी के सांगठनिक कार्य सालों भर चलते रहते हैं, उसी दिशा में कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार की बैठक का आयोजन किया गया था। और जिस प्रकार से वर्तमान सरकार जो जन विरोधी सरकार है, जो जनता से लोगों से ठग करके वोट लेने का काम किया और जनता के लिए आज के दिन में कुछ कर नहीं रही सरकार, उस सरकार के विरोध में हमें धारदार और जोरदार आंदोलन करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ आज जनता भी महसूस कर रही है कि ये सरकार सिर्फ धोखा देने वाली सरकार है। इन सारी बातों को लेकर के हमें जनता के बीच में जाना है। तो जनता पार्टी विस्तार के लिए, जब भाजपा पार्टी विस्तार के लिए जनता के पास जाएगी तो क्या सरकार की कमियों को लेकर जाएगी या फिर अपने विचारों? देखिए, संगठनात्मक विषयों को लेकर जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है और जनता के बीच, चूंकि जनता ने 5 वर्षों का शासन भारतीय जनता पार्टी का देखा है, किस प्रकार से सफलतापूर्वक अमन चैन देने का काम किया था, विकास से एक एक लोगों को जोड़ने का काम किया था और आज के दिन में अमन चैन भी गायब है और विकास भी आम जनता से कोसों दूर भट जा चुका है। तो उन सारी बातों को लेकर के भी हम जनता के बीच जाएंगे, साथ ही साथ संगठनात्मक कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए हम बूथ स्तर से लेकर के जिला स्तर तक हम सारे कार्यों को करने का काम करेंगे।